एक बार तो हद कर दिया हमारे घर वाले यार। अरे मतलब यार जबरदस्ती का अपनी मर्जी थोपे पड़ता है हमारे ऊपर यार। कोनो भी बात हो बस हमारी दूसरे शादी का रोना रोने लगता है। ये वही बात तो देखो का किया है? मतलब लड़की वाले लड़की समेत घर बुला लिए बताओ। अरे भैया हमको तो ये सब जो है वो प्लानिंग लगती है भैया। फिर आप ही सोचिए, पहले भाभी को उनकी मर्जी के बिना उनके मायके भेज दिया, ऊपर से ये लड़की वालों को बुला लिए। हम तो कह रहे हैं ये प्लानिंग है और कुछ नहीं। हाँ सही कह रहे हो बेटा तुम। अरे बाकी ये बात तो ये बूढ़ा हमारी दादी ये भी बाऊजी के साथ मिल गई यार। अरे मतलब यार वही तो फोन करके बुलाई ससुर जी का और वही इंतजाम किया प्रतीक्षा का जाएगा का ऐसी को तो जानती थी कि लड़की वाले घर आ रहे हैं। ऐसा बहुत होगा। ए चंदुआ तुम यहाँ सब संभालो, हम प्रतीक्षा लेने जा रहे हैं मंगपुर। ठीक है जी भैया। क्या है भैया? अरे तुम काहे हमरे मरद के पीछे पड़ी हो? और ये कागज में ऐसा का लिखा है जो तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा है? अरे प्रतिज्ञा तुम इतने पढ़ी लिखी हो ताकि तुम ये ना पढ़ सकते कि आदर्श हमरे लिए दुबई में एक नया घर खरीद रहा है यार। अगर तुम लोगों को आदर्श से जलन हो रही है तो तुम लोग भी मेहनत करो ना, अपनी मेहनत करो, अपना पैसा कमाओ और अपने पैसे का गाड़ी बंगला खरीदो। हमको ना बुरा ना लगेगा और हम ना तुम लोगों को रोकने भी नहीं आएंगे। अरे जब आदर्श अपना पैसा से अपनी मेहनत से सब कमाया है तो तुम लोगों को काहे तकलीफ हो रही है यार? अरे तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आदर्श अपनी बीवी को घर लेके दे रहा है, लेकिन तुम लोगों के चेहरे पे तो मातम छाया हुआ है। अरे ये सब पाने के लिए अपना बीवी बच्चा तक को भूल गया था, लेकिन का परिवार मिला है हम। बस कीजिए भाभी। जिस कागज पर आपने अंगूठा लगाया है ना, वो किसी नए घर का कागज नहीं है बल्कि आपके बसे बसाए घर को उजाड़ने का कागज है। मतलब क्या है तुम्हारा? ये हमारे नए घर के कागज नहीं है का? अब प्रतिज्ञा तुम बिना मतलब हमारे बीच में मत पड़ो। इस फाइल हमें दो। एक मिनट भैया, भाभी तो नहीं जानती है ना कि इस कागज पर क्या है, लेकिन हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यार हमको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना हमको एकदम साफ साफ बताओ कि अगर ये हमारे नए घर के कागज नहीं थे, कौन चीज के कागज है? भैया आपसे तलाक लेना चाहते हैं। और ये तलाक के कागज है। इतने टाइम से
हमें तुमसे तलाक चाहिए। क्योंकि हम तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहते।